गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई होप यू ऑल आर फाइन बेटा एंड यू आर डूइंग योर स्टडीज वेरी वेल. सो यस्टरडेज क्लास वी रिवाइज द चैप्टर 18, दैट इज वेस्ट वाटर एंड मैनेजमेंट, एंड वी हैव कम्प्लीटेड टिल पेज नंबर 190, दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट. इन लास्ट क्लास वी डिस्कस द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एंड वट वी डिस्कस दैट देयर द वॉटर, द वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड एट थ्री लेवल्स. प्राइमरी लेवल दैट वी कॉल फिजिकल ट्रीटमेंट, सेकेंडरी लेवल दैट वी कॉल बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, एंड टर्शरी लेवल दैट वी कॉल्ड केमिकल ट्रीटमेंट. फर्स्ट प्राइमरी लेवल में सिंपल फिजिकल मेथड की हेल्प से जो वेस्ट होते हैं लाइक पॉलीथीन वगैरह, उनको अलग किया जाता है, सेडिमेंट किया जाता है वाटर को. देन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स की हेल्प से ट्रीट करते हैं. देन क्या करेंगे, उसको केमिकल्स के साथ ट्रीट करते हैं. सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भाई सीवेज ट्रीटमेंट के बाद में क्या मिला. व्हाट वी गॉट आफ्टर सीवेज ट्रीटमेंट, वी गॉट ट्रीटेड वाटर, ठीक है, एंड सेकेंड वी गॉट स्लज. जो स्लज नीचे बैठ गया था ना सेडिमेंटेशन टैंक में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्लज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीटेड वाटर का क्या होता है बेटा, ट्रीटेड वाटर का क्या होगा, ये ट्रीटेड वाटर को कहाँ पे भेज दिया जाता है, इट इज रिलीज इन टू वाटर बॉडीज, ठीक है. वाटर बॉडीज लाइक कोई रिवर है आसपास कोई ड्रेन है, ठीक है, या कोई पॉन्ड है, वहां पे हम उसको इजिली रिलीज कर सकते हैं. और फिर से इसको डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज के लिए इस वाटर को यूज किया जा सकता है, ठीक है. मीन्स दिस इज वाटर रिसाइकलिंग. हमने खराब पानी को अच्छा करके फिर से अपने ही पर्पज के लिए यूज कर लिया, तो दैट इज रिसाइकलिंग ऑफ वाटर. तो ये तो हो गया ट्रीटेड वाटर का. देन सेकेंड स्लज, स्लज का क्या करें. अब ये जो स्लज है ना, दिस स्लज इट इज हाईली रिच इन, ये किसमें रिच होती है बेटा, ऑर्गेनिक मैटर में. इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर मैंने क्या बताया था, जो प्लांट वेस्ट या एनिमल का वेस्ट होगा, लाइक ह्यूमन का फिकस. फिकस मीन्स जो एक्सक्रीटा ह्यूमन रिलीज करते हैं, ठीक है, और वेजिटेबल पिल्स होंगे इसके अंदर, चब्जों के छिलके, मतलब जो भी एनिमल या प्लांट का वेस्ट है उससे क्या बना हुआ है यहाँ पे, स्लज, ठीक है. ऑर्गेनिक मैटर में ये रिच होता है. अब इसका क्या करेंगे हम, हम इसको फर्दर एज अ मैन्योर की तरह यूज़ करेंगे क्रॉप्स के अंदर, फील्ड के अंदर. तो यूज़ करने के थ्री मेथड्स हैं बेटा. वन इज इंसिनरेशन, सेकेंड डी वॉटरिंग, एंड थर्ड इज सॉलिड कंपोजिटिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इंसिनरेशन, इंसिनरेशन वर्ड का मीनिंग होता है किसी चीज़ को जला देना, ठीक है. तो जो भी स्लज है उसको हम क्या कर देंगे, वी विल बर्न इट इन फायर, उसको हम जला देंगे. जलाने के बाद क्या मिलेगी हमें, ऐश मिलेगी, व्हाट वी कॉल ऐश. और इस ऐश को हम एज अ फर्टिलाइजर्स कहाँ पे यूज करेंगे, इन द क्रॉप फील्ड. इज इट क्लियर. सेकेंड मेथड क्या है, डी वॉटरिंग. डी वॉटरिंग, वॉटरिंग मीन्स वाटर प्रोवाइड करना, और डी मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा कि स्लज में से क्या करो बेटा, रिमूवल ऑफ वाटर, पानी को रिमूव कर दो, और जो बाकी ड्राई स्लज बच गया उसको सीधा एज अ फर्टिलाइजर क्रॉप फील्ड के अंदर यूज करो. देन थर्ड मेथड सॉलिड कंपोजिटिंग. कंपोजिटिंग क्या होता है बेटा, वेन यू डंप द स्लज अंडर द सर्फेस ऑफ अर्थ, एंड देयर द ऑर्गेनिक मैटर विल कन्वर्ट इन टू सिंपल पार्टिकल्स और सिंपल मैन्योर बना देगा, ठीक है. उसको क्या बोलते हैं हम, कंपोजिटिंग. क्या बोलेंगे बेटा, कंपोजिटिंग. कंपोजिटिंग क्या है, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगी, बैक्टीरिया, दे विल कन्वर्ट ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू ह्यूमस. ह्यूमस क्या होता है, जब सारे न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में मिल जाएंगे और बिल्कुल ऐसे एक फर्टाइल सॉयल बना देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं. तो सॉलिड कंपोजिटिंग, कंपोजिटिंग में क्या होगा, आप डंप कर दो नीचे, ठीक है, और वहाँ पे फंगी बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, और वो उस कंपोस्ट को किस में कन्वर्ट, सॉरी स्लज को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देंगे. एंड दिस कंपोस्ट और दिस मैन्योर इज हाईली रिच इन वेरी न्यूट्रिएंट्स. मीन्स ये डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स में बहुत रिच होता है, जो कि किसी भी क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, किसी भी फील्ड में न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को पूरा कर देगा, ठीक है. नेक्स्ट है बेटा कंट्रोलिंग सीवेज जनरेशन. नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि हम सीवेज के जनरेशन को कैसे कंट्रोल करें, हाउ वी कैन कंट्रोल, सॉरी कंट्रोलिंग सीवेज जनरेशन. तो सीवेज जनरेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है बेटा, एक तो कभी भी सबसे पहले फर्स्ट इम्प्रूव योर सेल्फ. आप अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करोगे, देन देयर विल बी एब्सोल्युटली चेंज इन आर एनवायरनमेंट और इन आर सोसाइटी. जब हम खुद से चेंज करना स्टार्ट करते हैं ना, तभी हम दूसरों को एप्लीकेबल कर सकते हैं. तो क्या भाई, डोंट थ्रो एनी गार्बेज.
पॉलिथीन बैग्स वगैरह लाइक इन रिवर्स स्ट्रीम्स जहाँ पे भी पानी के सोर्सेस हैं उनमें कभी भी कुछ ऐसे नहीं फेंको, ठीक है। पाइप्स के अंदर कुछ भी मत डालो कि आपने पॉलिथीन डाली पाइप के अंदर डाल दिया तो क्लॉगिंग हो जाएगी, पाइप क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। अगर पाइप की लीकेज हो रही है, अगर कहीं से भी लीकेज होता है वाटर का या वेस्ट वाटर का, तो उसको इंस्टेंटली मैनेज करना चाहिए, ठीक है। हमारे जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होता है ये उसका ड्यूटी है कि फटाफट से अगर कोई भी सीवर कहीं से भी लीकेज हो रहा है तो उस लीकेज को क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। अगर लीकेज को कंट्रोल नहीं करोगे पानी सीवर से बाहर आएगा एंड दैट कॉज एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। वहाँ पे जर्म्स आ जाएंगे, मॉस्किटोज ब्रीड करेंगे, तो दैट कॉज वेरी वेरी पॉल्यूशन कंडीशन, ठीक है। फिर कभी भी नेवर थ्रो कॉस्मेटिक इन ड्रेन्स, कभी भी ड्रेन्स के अंदर बहते हुए पानी के अंदर कॉस्मेटिक्स को मत डालो, ठीक है। अब कॉस्मेटिक्स को क्यों ना डालो भाई, क्योंकि कॉस्मेटिक्स में बहुत सारे केमिकल्स हैं और ये केमिकल्स किसके अंदर इकट्ठे हो जाएंगे, पानी के अंदर ये केमिकल्स मिक्सअप हो जाएंगे एंड दैट विल कॉज टू द ह्यूमन बींग्स, दैट विल कॉज हार्म टू द ह्यूमन बींग, वेस्ट वाटर में मिस होके और वो केमिकल मिक्स होके वेस्ट वाटर बना देंगे, ठीक है। फिर है दूसरे मेथड की हम सीवेज डिस्पोजल के लिए और क्या कर सकते हैं, अदर मेथड्स ऑफ सीवेज डिस्पोजल, कैसे हम सीवेज को डिस्पोज कर सकते हैं, अदर मेथड्स ऑफ सीवेज डिस्पोजल। तो बेटा इसमें क्या है, आप क्या कर सकते हो, आप सेप्टिक टैंक बना सकते हो, यू कैन मेक सेप्टिक टैंक्स। सेप्टिक टैंक क्या होते हैं, ठीक है, सेप्टिक टैंक क्या होंगे, आपकी जो कम्युनिटी है इसको बोलते हैं ऑन साइट डिस्पोजेबल सिस्टम, मतलब जहाँ पे भी आप रह रहे हो वहीं पे आपने एक डिस्पोजेबल सिस्टम बना दिया। मान लो ये आपका घर है, दिस इज योर हाउस, यहाँ से जो सीवेज निकलेगा इसको एक टैंक के अंदर इकट्ठा करो जिसका नाम क्या है, सेप्टिक टैंक। इस टैंक में क्या होगा, नीचे स्लज इकट्ठा हो जाएगा और ऊपर पानी, ठीक है, और इस पानी को यूज कर लो फील्ड्स वगैरह के लिए, क्योंकि बेसिकली आपने ऑर्गेनिक मैटर को तो सेपरेट कर दिया कुछ हद तक, लेकिन ये प्रॉपर ट्रीटेड वाटर नहीं होता, ठीक है। तो आप सेप्टिक टैंक का यूज कर सकते हो। सेकेंड क्या है, हम बायोगैस प्लांट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड क्या है बेटा, वी कैन यूज बायोगैस प्लांट्स लगा सकते हैं। बायोगैस प्लांट में क्या होता है, जमीन के नीचे ऐसे ये मान लो अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे एक कंक्रीट का ईंटों से एक टैंक बनाया जाता है जिसको बोलते हैं बेटा बायोगैस प्लांट, ठीक है। इसके अंदर यहाँ से स्लरी को मिक्स करके यहाँ पे भेजा जाता है, मीन्स जैसे एनिमल वेस्ट हो गया, काउडंग वगैरह हो गया, ठीक है, उसको पानी के साथ मिक्सअप करके या जो स्लज है उसको मिक्सअप करके यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे होते हैं एनरोबिक बैक्टीरिया। एनरोबिक बैक्टीरिया जो विदाउट ऑक्सीजन यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज कर देंगे, ठीक है। दे डोंट यूज ऑक्सीजन, मीन्स विदाउट ऑक्सीजन, जैसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए एरोबिक बैक्टीरिया चाहिए थे ना जिनको ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ये विदाउट ऑक्सीजन क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। और डिकम्पोज करने से ऑर्गेनिक मैटर जब डिकम्पोज होगा तो यहाँ से गैस निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, बायोगैस। और इस बायोगैस का यूज कहाँ पे किया जा सकता है, फॉर कुकिंग पर्पजेस, ठीक है, और इलेक्ट्रिक पर्पज के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, या हम खाना बनाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। सो दैट इज वेरी, आपकी बुक में बहुत अच्छा सा डायग्राम गिवन है, दिस वन, ये बायोगैस प्लांट है बेटा, यहाँ से ये इनलेट है इसका, यहाँ पे यहाँ से गैस निकलती है और यहाँ से ये जो स्लज है जो आफ्टर ट्रीटमेंट जो बच जाएगा डाइजेस्टर के बाद, फिर उसको हम डायरेक्टली खेत में एज अ मैन्योर की तरह यूज कर सकते हैं। देन थर्ड मेथड क्या दे रखा, वर्मी कंपोजिटिंग टॉयलेट्स। नेक्स्ट इज वर्मी कंपोजिटिंग टॉयलेट। वर्मी कंपोजिटिंग टॉयलेट क्या होते हैं बेटा, वर्मी जहां पे आ गए ना, मीन्स अर्थवॉर्म को यूज किया जाता है। अर्थवॉर्म क्या करते हैं, अर्थवॉर्म छोटे छोटे कीड़े के जैसे एनिमल्स होते हैं जो जो ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ के सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब डिकम्पोज कर देते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, वर्मी कंपोजिटिंग टॉयलेट। आपके घर में जो टॉयलेट है
वो फिकस रिलीज कर रहा है, दैट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो ऐसे टॉयलेट बनाए गए कि यहाँ पे ये ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा हुआ जो भी आपने फिकस रिलीज किया, और उसके ऊपर यहाँ पे किसकी ग्रोथ करवा दी, अर्थवर्म की। और ये अर्थवर्म इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, फिकस को मैन्योर में, और इस मैन्योर को फिर हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, अपने खेत में खाद डाल लेंगे, हमारी क्रॉप एनरिच हो जाएंगी। ठीक है, तो दीज आर वर्मी कंपोजिटिंग टॉयलेट। एक सुलभ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, ठीक है, देयर इज सुलभ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये सुलभ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, ये लोगों को, ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए, एनवायरनमेंट में साफ सफाई रखने का काम करते हैं। बेसिकली इन्होंने बहुत सारे टॉयलेट बनाने के लिए, पब्लिक टॉयलेट बनाने के लिए, पब्लिक प्लेसेस पे टॉयलेट बनाने का काम किया है, ठीक है, अर्बन सिटीज के अंदर। और इन्होंने अक्टूबर 2007 में एक ऐसा टॉयलेट डिज़ाइन किया जो ह्यूमन एक्सक्रीटा को, ह्यूमन का जो वेस्ट होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, बायोगैस में। और उसके लिए डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को, उसके मास्टरमाइंड थे, ठीक है, इतने इनोवेटिव आइडिया के लिए ह्यूमन एक्सक्रीटा से बायोगैस बना दी। ठीक है, तो इट्स वेरी नाइस आइडिया, वी शुड ऑप्ट सच आइडियाज सो दैट पॉल्यूशन कम से कम क्रिएट हो। देन इम्प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सीवेज, जब सीवेज को प्रॉपर मैनेज नहीं किया जाता है तो क्या होगा, क्या होगा बेटा, पोल्यूशन फैलेगा, वाटर पोल्यूशन होगा, ठीक है, वाटर पोल्यूशन हो जाएगा। जैसे गंगा और यमुना का में पोल्यूशन का लेवल कितना हाई जा चुका है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे सिटीज़ में, बड़े बड़े सिटीज़ में क्या करते हैं, विदाउट ट्रीटेड, बिना पानी को ट्रीट किए, सीवेज ट्रीटमेंट किए, उसको सीधा रिवर्स में छोड़ देते हैं, दैट कॉज पोल्यूशन। ठीक है, अगर सीवर सिस्टम्स में लीकेज हो रखी है और पानी ऐसे ही खुला घूम रहा है तो दैट इज़ ऑल्सो कॉज वाटर पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन। तो इम्प्रॉपर मैनेजमेंट सीवेज का, दैट लीड्स टू द वेरियस डिजीज एंड एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन। एक टर्म दे रखा है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है बेटा, यूट्रोफिकेशन होता है जब पानी केमिकल्स अपने साथ लेके आएगा, मीन्स हमने खेत में फर्टिलाइजर डाल रखा है तो पानी, फिर खेत में हम वाटरिंग कर रहे हैं, इरिगेशन कर रहे हैं तो वहाँ से पानी जाएगा, तो वो फर्टिलाइजर्स कुछ पानी के साथ आ जाएंगे वो केमिकल्स, और वो पानी मान लो किसी ड्रेन में जा रहा है, ये कोई ड्रेन है, यहाँ से खेत से पानी आया और इस ड्रेन के अंदर या इस पोंड के अंदर ये पानी इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके क्या होगा, 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में यहाँ पे बहुत सारे केमिकल्स इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, देर आर लॉट्स ऑफ केमिकल्स, यहाँ पे क्या इकट्ठा हो जाएगा बेटा, केमिकल्स। और इन केमिकल्स के इकट्ठे होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारी एल्गी ग्रो कर जाएगी, एल्गल ब्लूम, ठीक है, बहुत सारा एल्गी ग्रो कर जाएगा, और वो एल्गी पानी में जो ऑक्सीजन है ना उसको यूज़ करेगी। ठीक है, एल्गी क्या करेगी, जो पानी में ऑक्सीजन है उसको यूज़ करेगी, तो उस पानी में जो एनिमल्स रहते हैं उनके लिए पानी की, ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी। तो यूट्रोफिकेशन भी आज के टाइम पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। देन सैनिटेशन इन पब्लिक प्लेसेस, आप अपने जो आसपास के एरिया है, पब्लिक एरिया है, वहाँ पे साफ सफाई करो, कभी कहीं पे भी स्पिटिंग मत करो, ऐसे चलते मत थूको, स्पिटिंग मीन्स थूकना। देन लिटरिंग, ऐसे फाड़ के कुछ भी मत फेंको, पॉलीथीन को ऐसे मत डालो, मतलब प्रॉपर जगह पे जहाँ पे आपको अपना गार्बेज डिस्चार्ज करना चाहिए वहीं पे जाके डिस्पोज करो। और अपने क्योंकि जितनी भी बेटा इन एनवायरनमेंट में सैनिटेशन कंडीशन नहीं होगी तो वो सिर्फ बीमारियों का कारण होगा, जर्म्स का कारण होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, आई होप आपको क्लियर होगा, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।